गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी डुगडुगी सुननी है डुगडुगी ना हुंकार हो। अब बक्सर पुलिस के लगातार कार्रवाई चल रहा बटुए यह डुगडुगी के मतलब यह बटुए कि गलती करब तो घरवा के उखाड़ी पखाड़ी के फेंक दिया है। जी हाँ बक्सर पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रहा बिया जेकर नजारा उरा सामने दिख रहा बटुए। बक्सर पुलिस के टीम शिक्षक हत्याकांड में फरार चार गो अभियुक्त के एगो अभियुक्त के घरे पहुँचल बिया जहाँ पे इश्तहार छिपका दिहल गई बा सरेंडर ना करब तो तहरा के पुलिस सरेंडर करे जा रहा बिया। नज़ारा बक्सर पुलिस मुफस्सिल थाना के अंतर्गत के हटुए जहाँ DIO के DSP प्रशिक्षु DSP अमरनाथ के नेतृत्व में इश्तहार छिपकावल गई। साथे साथे मुफस्सिल थाना के पुलिस भी मौजूद रहल। बक्सर पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहल बिया। बक्सर पुलिस अपना तरीका से DIO के टीम के लगा के अपराधी लोग के पकड़ रहल बिया आ जवन जना नईखन पकड़ा तुरंत कोर्ट से आदेश लेके उनका घर पे डुगडुगी बजवा के डुगडुगी ठोकवा के आ इश्तहार छिपकवा दिया था। अल्टीमेटम दे दिया था कि एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर हाजिर होकर नहीं तो घरवा कबार दिया उखाड़ दिया। तनी डुगडुगिया ये खाली और देख लिया फिर खबर देख। रउरा सबके बता दी कि शिक्षक सरोज कुमार सिंह के हत्याकांड के ये अभियुक्त मुख्य अभियुक्त बाड़े। इनका के पुलिस देखल सिया कि अब शिकंजा में नहीं हैं तो असली तरीका अपनावे शुरू कैल सिया बुलडोजर वाला तरीका जेकर नाम बुलडोजर वाला तरीका दिहल बटुए। UP पुलिस तो लगातार बुलडोजर चलाइए रहल बिया। बिहार प्रशासन और साथ साथ कोर्ट भी रेली के बुलडोजर अब चलवावे शुरू कैले बटुए ताकि अपराध ही अपराध को लगाम लाग सके। यही क्रम में अपना दल बल के साथ मुफस्सिल थाना के पुलिस आ DIO के प्रभारी जवन बानी प्रशिक्षु DSP अमरनाथ पांडे यह अपराधी के घरे जवन की मुख्य अभियुक्त बा जवन टारगेट क के शिक्षक के निशाना बनैले रहे उनकर अब घर को बुलडोजर लगा के ढाहे पर निशाना बनावे जा रहल बिया बक्सर पुलिस। ये रौरा सामने दृश्य दिख रहा बा थानेदार खुदे गोंद छिपका के आ कोर्ट के इश्तहार उनका घरवा पर थपथपियावता रहे हाजिर हो जा नहीं तो पुलिस ठेठवावे जा रहा बिया आ जल्दी से ना हाजिर होखब तो ललकी कोठरी में पकड़ के ढुकावे जा रहा बिया। जी हाँ बक्सर पुलिस अब एक्शन में नजर आ रहा बिया। यह एक्शन के सामने ताज़ा तस्वीर डुगडुगी बजा के पुलिस दे रहा बिया लगातार अभियान चलत पटुए। तो ध्यान से देखनी पुलिस के डुगडुगी बजाव। अब मामला का बा एकरा के तनी विस्तार से जान ली। अप्रैल 22, 2022 के दिन एगो शिक्षक के हत्या क दिहल गई रहे। हत्याकांड में पुलिस अभी तक 10 लोग के जेल भेज चुकल बिया 4 जना फरार बाड़े। यह कांड के मुख्य अभियुक्त तो जवन बटुए मोहम्मद यह कांड के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद ताहिर बटुए जवन शिक्षक पे गोली चलैले रहे जवना में शिक्षक के ऑन द स्पॉट मौत हो गई रहे। पुलिस इनका के ढूंढत रहल हिया लगातार समय देत रहल हिया लेकिन उपस्थित ना भइले। अब इनका घर पर कुर्की के इश्तहार छिपका दिहल गई। अंतिम तिथि बता दिहल गई अगर समर्पण ना करी हैं तो बुलडोजर के कार्रवाई रौरा सभे जानते बनी जिला में कितना धुआंधार चलता है। अभी फिलहाल में पोखरहा कांड के फरार अभियुक्त के घरे ईंटा से ईंटा बजा दिलक पुलिस बुलडोजर लगा के। इहो अल्टीमेटम दे दिहल गई थानेदार
मुफस्सिल थाने के थानेदार अमित कुमार डीआईओ के प्रभारी जवनबानी प्रशिक्षु डीएसपी अमरनाथ के नेतृत्व में इश्तहार चिपकावल गई। बता दी कि शिक्षक सरोज कुमार सिंह के हत्या के अंजाम दिहल रहे जेकरा बाद ही पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रहल भी। अभी बयान सुनी और रैली के शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर नहीं होते हैं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सर कुर्की की प्रतिक्रिया क्या होती है, इसका इस्तार चिपकाया है आप लोग, इसको लेकर क्या कहिएगा? प्रक्रिया वही है कि सर्टेन टाइम लिमिट में इनको अपीयर होना होता है। यदि अपीयर नहीं हो रहे हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे पुलिस मतलब की कार्रवाई करेगी अदालत के आदेशानुसार। सर ठीक।